चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में 1 अप्रैल से जहां महाकुंभ होना है 30 अप्रैल तक, वहीं इस बीच कुंभ को लेकर कई तरह के बयान भी सामने आए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना काल को देखते हुए कुंभ मेले में कोरोना रिपोर्ट लाने को जरूरी बताया था, जिसके बाद तीरथ सरकार ने फैसले को बदलते हुए कुंभ में सभी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर से शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तीरथ सरकार के फैसले को पलटते हुए कोरोना रिपोर्ट लाने आरटीपीसीआर जांच को जरूरी करा दिया, जिसके बाद ही कुंभ मेले में आने की अनुमति होगी। तो कोरोना को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है, और जहां एक तरफ तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में महाकुंभ के दौरान 4 शाही स्नान है। ऐसे में शाही स्नान में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, लोगों में संक्रमण तेजी के साथ ना फैले, ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्ट के कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी, जिसके बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। लगातार फैसले बदले, त्रिवेंद्र सरकार में कुछ फैसला लिया गया था और तीरथ सरकार ने कुछ और फैसला लिया। इसके बाद जब हाईकोर्ट ने दखल दिया तो फिर केंद्र सरकार की जो SOP जारी की गई थी, उसी के तहत सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। तमाम जो गाइडलाइन है कोरोना के, उसका पालन सभी श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा जो यहां पर पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और देखा गया कि कैसे एक के बाद एक फैसले बदले गए, अब ऐसे में क्या लग रहा है उन श्रद्धालुओं के लिए, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं या फिर आने वाले दिनों में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, साफ तौर पर कोरोना की दूसरा वेव जिस रफ्तार से देश के अंदर बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और चिंताएं और बढ़ जाती है जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन जिस स्थल पर हो, वहां पे जहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हों, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पर सरकार और मेला प्रशासन ने जो भारत सरकार की SOP जो बहुत पहले जारी हो गई थी, अब उसको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू करने का मन बना लिया है। यानी अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कोई भी श्रद्धालु या कोई भी बाहर का व्यक्ति कुंभ के दौरान अगर हरिद्वार या उत्तराखंड में प्रवेश करेगा तो उसको RT-PCR टेस्ट जो है की रिपोर्ट 72 घंटे की पहले की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर मेला प्रशासन और सरकार दोनों चाहता है कि कुंभ भव्य और दिव्य हो, लेकिन कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए किसी भी तरीके की कोई छूट करने की स्थिति में इस समय सरकार या मेला प्रशासन है नहीं। यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं और साफ तौर पर जो तैयारियां चल रही हैं सीमा क्षेत्रों में, जो उत्तराखंड दूसरे राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वहां पे सब तैयारियां पूरी करने की अंतिम दौर में है, ताकि अब कोई भी श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करेगा तो उसको RT-PCR टेस्ट लाना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल जी, जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं कुंभ को लेकर कोरोना के मद्देनजर, क्या वो पर्याप्त हैं जिससे लोगों में संक्रमण कम से कम फैले और या फिर ना फैले? बिल्कुल, अभी जो इंतजाम है वो स्थिति जो है नियंत्रण में जरूर कह सकते हैं, लेकिन सारी सुविधाएं पर्याप्त हैं ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब लाखों लोग एक दिन में, जो शाही स्नान 3 रखे गए हैं, जब लाखों लोग एक दिन में प्रदेश के अंदर प्रवेश करेंगे, तब किस तरह की मैनेजमेंट या किस तरह की व्यवस्थाएं मेला प्रशासन सुनिश्चित करा पाएगा, ताकि हर एक व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट जो है वो चेक हो पाए, और बिना RT-PCR टेस्ट के कोई श्रद्धालु जो है हरिद्वार में हरकीपैड़ी क्षेत्र जो है कुंभ क्षेत्र जो है वहां पर ना पहुंच पाए, इसको सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है मेला प्रशासन के लिए। हालांकि लगातार जो मेला अधिकारी हैं या तमाम जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो लगातार सीमा क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर रहे हैं, मेडिकल टीम जो कुंभ में तैनात हुई है उनकी भी तैयारियां बिल्कुल अंतिम रूप में है, पारामिलिट्री फोर्स और जितने जवान हैं जो कुंभ के दौरान लगभग जिनकी ड्यूटी रहेगी उन सबको भी अलर्ट कर दिया गया, उन सबको भी बता दिया गया है कि किस तरह से शालीनता के साथ
श्रद्धालुओं से बिहेव करें और आरटीपीसीआर टेस्ट से कंपल्सरी होगा। और सातों को जो कुंभ मेला का पोर्टल ऐप है उस पर भी रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं को कराना होगा। अगर आप हरिद्वार कुंभ में माँ गंगा के दर्शन कर उसमें स्नान करना चाहते हैं, यानी साफ तौर पर सरकार प्रशासन अब सख्त हुआ है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं और हालात किसी भी तरीके से नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए उत्तराखंड और हरिद्वार में, इसके लिहाज को ध्यान में रखते हुए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या राहुल जी यही समझा जाए कि महाकुंभ को देखते हुए तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेनें थी उनका संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधाएं हो जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल, साफ तौर पर कोई नई ट्रेनें देने की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है कुंभ के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जरूर कह चुके हैं कि बसें लगाई जाएंगी। अब जो हालात हैं, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में अब देखना होगा कि श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ मानक तय किए जाते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि जब श्रद्धालु हजारों लाखों की तादाद में जब बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं ऐसे सुचारू रूप से तैयार की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो और जो गाइडलाइन जो दिशा निर्देश है उसका भी पालन किया जा सके। जो भी हो, कुंभ की भव्यता दिव्यता साधु संत चाहते हैं, व्यापारी चाहता है कि कुंभ हो, सरकार भी चाहती है और मेला प्रशासन भी दिन रात एक किए हुए हैं कि कुंभ को कराना है। बिल्कुल, और इसकी भव्यता और दिव्यता का भी खास ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया राहुल जी तमाम जानकारी के लिए।